मैं बनाऊंगी रगड़ा पैटीज़, जो ठेले वाले बनाते हैं ना चाट, वैसी बढ़िया चाट। या आप बना के जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा चटपटी लगती है ये। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी रगड़ा पैटीज़। ये बहुत ही चटपटी बनती है, बहुत ही बढ़िया लगती है ये। दोस्तों आपको चाहिए, ये मैंने आलू लिया है, ये मैंने 4 आलू बॉईल किए हुए हैं। इसमें से 1 आलू को मैंने बॉईल करके और छील के तड़का लिया है, और बाकी जो 3 आलू हैं उनको मैंने मैश कर लिया है, सब छिलके उतार कर इसके। और जो ये आलू हैं, मैंने आलू इस तरह से उबाले हैं कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो इसमें मैंने क्या करा है, एक कटोरी लेकर उसमें 4 आलू डाल दिए और उसके साइड में आधा ग्लास पानी डाल दिया। मतलब आपको पानी इतना डालना है कि आपकी जो कटोरी है वो डिप ना हो, पूरे आधा कटोरी के करीब उसका पानी कुकर में आपके आए। और आप इसको बस 1 सीटी लगा दीजिए और फिर गैस बंद कर दीजिए। इसमें आपके जो आलू है उसे बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आएगा। और हमें चाहिए साथ में ये नमक लिया है मैंने, नमक हम ज़्यादा भी यूज़ किया है मैंने, आगे हम 2-3 चीज़ों में यूज़ करेंगे इसको। तो मेरा 2 चम्मच सफ़ेद नमक है और 1 चम्मच काला नमक है। और लेंगे हम, ये मैंने धनिया पाउडर लिया है, धनिया पाउडर भी मेरा 2 चम्मच है। साथ ही हम लेंगे, ये मैंने प्याज ली है, ये मेरी आधी प्याज है, इसको मैंने कट कर लिया है छोटे पीसेस में। 1 हरी मिर्च है, इसको भी कट कर लिया है। और 1 छोटा टमाटर है, उसे भी छोटे पीसेस में काट लिया है। और आधा नींबू, और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। इन 5ों चीज़ों का हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और बहुत बढ़िया चटनी बनाएंगे इसकी, उसको हम यूज़ करेंगे। साथ ही मैंने लिया है ये मटर, इसको हम हरी मटर के दाने भी बोलते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में आता है हरी मटर। इसको मैंने रात भर भिगोकर और सुबह करीब 6-7 सीटियाँ लगा दी इसमें, और ये अच्छे से दाना जो है इसका बिल्कुल गल गया है। देखिए आप इसकी शक्ल देख रहे हैं, बिल्कुल गला हुआ है। इसमें आपको कोई सोडा या बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत ही बढ़िया तरीके से गल जाता है। साथ ही हम लेंगे ये जीरा है, 1 चम्मच जीरा है ये मेरा। और लेंगे हम ये अलग से, और हमने टमाटर लिया है आधा टमाटर, और इसी तरह से आधा प्याज। साथ हम लेंगे नींबू, नींबू का रस हम यूज़ करेंगे। और ली है मैंने हल्दी, हल्दी हमारी 1 चम्मच है। और ये हरी मिर्च है, 2 काट के रख ली है मैंने छोटे पीसेस में। और ये है हमारा धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर यूज़ किया है। अब हम जो आलू है उसका हम टिक्की बनाने के लिए इसमें मसाला डालेंगे। ये मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है, और चौथाई भर काला नमक, और डाल दिया है मैंने 1 चम्मच करीब धनिया पाउडर। और लेंगे हम थोड़ी सी हरी मिर्च, और डाल देंगे हम साथ में थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथ में ऑयल लगाकर इसकी टिक्की बना लेंगे। और क्या है, मैंने इसमें बिल्कुल भी ब्रेड वगैरह या कॉर्नफ्लोर कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि जो मैंने आलू उबाला है उसमें बिल्कुल भी आलू में मॉइस्चर नहीं रहेगा। मैंने हाथ पे ऑयल लगा लिया है, और इसको हम इस तरह से राउंड राउंड शेप में करके, और इसकी हम एक टिक्की बना लेंगे इस तरीके से। और मैंने गैस पे तवा रख दिया है, इसमें हम हल्का सा ऑयल डाल देंगे। ये हमारी टिक्की बनकर रेडी है। अब मैं इसको सेक लूँगी। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, अब मैंने इस पर टिक्की रख दी है। इस पर इस तरीके से हल्का सा ऑयल भी डाल देंगे, और हम इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे अच्छे से। इसको मैंने एक तरफ से पलट दिया है, हम इस तरह से दोनों तरफ से सेक लेंगे इसको। देखिए हमारी टिक्की अच्छी तरीके से दोनों तरफ से सिक गई है। और जो हमारा टमाटर प्याज वाला पेस्ट था उसको भी मैंने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने टिक्की को अलग रख लिया है बनाकर। अब हम गैस पर एक पैन रख देंगे, उसमें मैंने 1 स्पून ऑयल डाल दिया है। इसमें अब हम जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद जो टमाटर दिखाया था मैंने आपको आधा कटा हुआ, उसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे इस तरीके से। इसको अब हम इसमें डाल देंगे। गैस हम 2 मिनट के लिए हल्की कर देंगे। इसमें अब हम सभी मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर मैंने अभी आधा चम्मच यूज़ किया है, और धनिया पाउडर,
हरी मिर्च, और जो हमारा नमक था वो भी मैं एक ही स्पून यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमने मटरा में भी डाला हुआ था। मटरा में मैंने सिर्फ आधा चम्मच नमक डाल के और इसको उबालने रख दिया था। और मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से डल चुके हैं। अब इसमें जो हमारे मटरा थी उसको डाल देते हैं। आप इसमें जितने भी रगड़ा चाट बना सकते हैं, आप टिक्की बना के रख लीजिए 10-12 या 15-20, कोई पार्टी वगैरह है आपके यहाँ तो, और इस तरीके से आपसे पहले से ही मटरा उबाल के रख लीजिए, और जब भी मन करे आप इसको रेडी करके बना सकते हैं इजीली। ये मैंने मटरा डाल दी है इसमें, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका। अब इसमें हम हल्का सा धनिया पाउडर डाल देंगे, सिर्फ 1/2 स्पून, और अब हम गैस बंद कर देंगे। चलिए अब हम चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जो मटरा बनाई थी इसको हम प्लेट में डाल देते हैं। आप कोई भी बाउल भी ले सकते हैं या प्लेट भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे। अब इसके बाद जो हमने टिक्की बनाई थी उसको हम रख देते हैं इसके ऊपर। अब इसके ऊपर जो हमारी टमाटर की चटनी थी, टमाटर और प्याज की चटनी, इसमें मैंने नींबू भी डाल दिया है। इसको हम इसके ऊपर अच्छे से स्ट्राइक कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है चटनी का। अब इसके ऊपर जो हमने आलू बॉईल करके रखा था उसको स्प्राइक कर देंगे। आलू में हमें कुछ भी नहीं डालना है, ना नमक ना मिर्च, कुछ नहीं डालना है। अब ये मेरी ग्रीन चटनी है, इसको भी मैं इसके ऊपर स्प्राइक कर दूंगी थोड़ा सा। आप जैसा भी खाते हैं, तीखा या कम तीखा, आप उसी हिसाब से मसाले कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी मीठी सौंठ। मीठी सौंठ हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मीठी सौंठ क्योंकि खट्टी मीठी दोनों होती है टेस्ट में, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसका। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, ये काफ़ी कलरफुल भी हो रही है। अब जो मेरा धनिया था उसको हम स्प्रेड कर देंगे थोड़ा सा इस तरीके से। ये थोड़ा सा मैंने भुना जीरा लिया है, इसको भी डाल देंगे हम। थोड़ी सी दोबारा से इसके ऊपर जो हमारी टमाटर की चटनी थी उसको स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर ये मैंने भुजिया ले रखी है, इसको स्प्रेड कर देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो देखिए आपकी चटपटी चाट, रगड़ा चाट बनकर रेडी है। रगड़ा पैटीज रेडी है आपकी। ये आप इसे बनाइए और खाइए, बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों आपको। मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।